Friends, how are you? Are you fine? Okay. Today we are going to learn EVS fifth lesson, games, in fifth class. Fifth class, lesson five, games. We know many games. Okay. We all people are like to play games. In this lesson, we are going to learn about some more games. Many games are played by different ways in the separated areas of Rajasthan. Rajasthan ke alag alag jagah mein alag alag tarah ki games khela jata hai. Mardadi, sitoliya, gilli danda, chippa chippi, pagda pagdi are the cultural games which can be played by limited sources. Mardadi, sitoliya, gilli danda, chippa chippi, pagda pagdi, ye sare apne village mein khelte hain. We enjoyed a lot of playing the games ghar, chabutari, chaupad, सिंह बकरी, अष्टछंगा एक्सेट्रा, ये भी गेम्स हैं. मैनी गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द स्पेशल फेस्टिवल्स आस इन मेवार. सितोलिया इज प्लेड ऑन मकर संक्रांति डे. हम किसी फेस्टिवल के रिलेटेड कुछ गेम्स खेलते हैं और कई फेस्टिवल में हम झूला झूलते हैं ऐसे और पतंग उड़ाते हैं, हैं उसी तरह हम एन्जॉयमेंट के लिए ऐसे करते हैं, ऐसे गेम्स भी हैं. बिलियर्ड्स, चेस, आर्चरी, कबड्डी, रेस्टलिंग, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, देर आर सम गेम्स. दिस ऑल्सो सम गेम्स. When more than one player play a game in mutual coordination and then the game spirit develop. जब एक से ज़्यादा लोग एक साथ मिल के खेलते हैं तब उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बन जाते हैं. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मतलब जब हम खेलेंगे तब हमारी तरफ से हम अच्छे से खेलेंगे, लेकिन जो हार जाते हैं जीत जाते हैं उसके बीच में कुछ दुश्मनी और मन में रखने का ऐसा बात कुछ नहीं. खेलने के टाइम हम खूब खेलेंगे, इसके बाद हम पहले की तरह दोस्त. ऐसे ये है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. मन में रखे वो मुझे खराया ऐसे उसको नफरत करेंगे ऐसे ऐसा विचार नहीं होना चाहिए. असली गेम में यही होना चाहिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. The games which are played in ground are outdoor games. जो खुला जगह में खेलते हैं यह है outdoor games. While the games played in the room or under the roof are called indoor games. जो कमरे के अंदर नहीं तो छत के नीचे ऐसे हम जो गेम खेलते हैं वो है indoor games. Kabaddi has been very popular nowadays when Doordarshan telecasts its लाइव मैचेस. कबड्डी आजकल बहुत लोग पसंद करते हैं और दूरदर्शन में लाइव उसका टेलीकास्ट भी होता है. आप देखा होगा यहाँ. ऑल चिल्ड्रन आर प्लेड कबड्डी प्लेइंग कबड्डी. सम पीपल आर प्लेइंग क्रिकेट ऑल्सो. सब बच्चों को पसंद है कबड्डी खेलना और कुछ लोगों को क्रिकेट पसंद है. ये बिग प्ले ग्राउंड इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिकेट बट चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट इन एम्प्टी प्लॉट्स. क्रिकेट सच में क्रिकेट खेलने के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए. बच्चे थोड़ा सा एक प्लॉट मिल जाएगा तो उसके अंदर भी बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं. ऐसे आजकल खेलते हैं. नाउडेज पीपल आर वेरी अवेयर अबाउट हेल्थ. आजकल अपना हेल्थ के बारे में लोग बहुत अवेयर है, वो उसका जानकारी है. सो योगा इज ऑल्सो बीइंग पॉपुलर नाउ. लेट्स अबाउट योगा. योगा हेल्थ के बारे में हेल्थ फिट करने के लिए कुछ लोग योगा भी करते हैं. सुबह उठते हैं वॉकिंग के लिए जाते हैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं
हैं, और कुछ लोग योगा भी करते हैं, ये सारे अपना हेल्थ के लिए, हेल्थ फिट होना चाहिए। योगासन प्रैक्टिस सम पोस्टर्स ऑफ योगा आफ्टर सीइंग दिस पिक्चर। देर आर सम आसन्स, तड़ासन, पद्मासन, पवन मुकुटासन, सूर्य नमस्कार, ये ऐसे कई आसन होते हैं। सूर्य नमस्कार में कई आसन एक साथ करेगा तो सूर्य नमस्कार पूरा हो जाएगा। पिक्चर में देख लेना। इन द अष्टांग योगा ऑफ पतंजलि यम नियम आसन प्रणयम प्रत्याहार धराना ध्यान एंड समाधि आर इंक्लूडेड। योगा में कई आसन इसमें इंक्लूड है। मेडिटेशन इज वेरी एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट। जो मेडिटेशन हम आंख बंद करके एक हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत सहायक है ये मेडिटेशन। एक कमरे में कमरा बंद करके उसमें एक बत्ती जला के उसमें देखें बहुत टाइम एकाग्र होकर बैठना, यह है मेडिटेशन। और आंख बंद करके भगवान को ध्यान करके ऐसे भी बैठ सकते हैं काफ़ी टाइम, यह है मेडिटेशन। ये मेडिटेशन अपना पूरा डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। इट डेवलप द आर्ट ऑफ लिविंग। हमारा जिंदगी हम कैसे जीवन बिताते हैं इसको इम्प्रूव करते हैं। ये पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ हैज बीन डेवलप्ड। ये मेडिटेशन से हमारा पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा हो जाता है। हम कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं बोलना, ये हमारा आदत में होना चाहिए। योगा ऑल्सो हेल्प्ड इन द फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। योगा में फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली हम डेवलप हो जाता है, हमारा पूरा बॉडी एंड सोल। हाउ डू यू फील आफ्टर योगासन इन असेंबली। असेंबली में हम कभी कभी योगासन करते हैं, इसमें आपको क्या फील होता है। इफ़ यू हैव एनी एक्सरसाइज रिलेटेड टू योगासन देन एक्सप्लेन इन द क्लास। अगर आपको योगासन के बारे में और कुछ एक्सरसाइज मालूम है तो वो अपना क्लास में आपस में डिस्कस करना है। वाई शुड वी डू योग, हम क्यों योगा करना है। स्वामी विवेकानंद वंस सेड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अवर यंगस्टर्स स्ट्रॉन्ग। स्वामी विवेकानंद सुना है? हाँ, वो बहुत अच्छा एक व्यक्ति था, युवजनों को बहुत इंस्पायर करने वाला था। उसने कहा था हमारा नौजवानों को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना है। योग एंड स्पोर्ट्स मेक अवर बॉडी हेल्थी। योगा से स्पोर्ट्स से अपना हेल्थ हमारा बॉडी फिट हो जाता है, हेल्थी फिट एंड टोन बिसाइड्स एंटरटेनमेंट। हमारा एंटरटेनमेंट जो हम मनोरंजन के लिए भी करते हैं, ये मनोरंजन भी अपना हेल्थ को सही करते हैं, क्योंकि अच्छा मन जिस बॉडी में आता है वो बॉडी है अच्छा बॉडी, इसलिए अपना माइंड भी अच्छा होना चाहिए। On 21st June 2015, millions of people from many countries do yoga to celebrate Yoga Divas. कई देश में 21st June योगा दिवस मनाते हैं, ये 2015 से चालू कर दिया। Which has been started by the efforts of Indian government. वो इंडियन गवर्नमेंट ने ये शुरू किया। Many people from foreign countries came to India to learn yoga. बहुत लोग बाहर से, बाहर का देश, विदेश से भी आके इधर आके योगा सीखने के लिए आया।
United Nations Organization declared 21st June as International Yoga Day. UNO ne ase declare kiya 21st June International Yoga Day. Sports make us fit and strong with entertainment. Sports se humko फिट होता है, हम स्ट्रांग हो जाते हैं, हमारा मनोरंजन भी हो जाता है. स्पोर्ट्स मेक अस डिसिप्लिन विद फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ. फिजिकली मेंटली हमारा डिसिप्लिन बनेगा स्पोर्ट्स से. स्पोर्ट्स इंक्रीजेस जॉय एंड प्लेजर विद कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन. जो गेम्स हम खेलने से कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन दूसरों से सहयोग करके हम खेलने के लिए, और कोऑर्डिनेशन सभी को एक साथ मिला के खेल खेलने के लिए. ये दोनों स्पोर्ट्स से मिलते हैं. स्पोर्ट्स मेक लाइफ ब्यूटीफुल विद विक्टरी एंड ट्रस्ट. स्पोर्ट्स हमारा लाइफ को बहुत सुंदर बनाते हैं. हम जीत जाते अपना लाइफ इतना सुंदर हो जाता है. ब्रीथिंग, रनिंग एंड जंपिंग शुड बी डन इन स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स में रनिंग भी होता है, जंपिंग भी होता है. ये किस लिए करते हैं? ब्रीथिंग इंक्रीज आफ्टर रनिंग. अपना ब्रीथ रेट इंक्रीज हो जाता है, अपना लंग्स का कैपेसिटी बढ़ता है ये रनिंग करने से और जंपिंग करने से. जो कुछ स्पोर्ट्स हम करते हैं तब सांस ज़्यादा स्पीड में चलने लग जाते हैं. सिट कामली एंड ब्रीथ. पुट योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर नोज एंड फील इट. नाउ जंप 10 to 12 टाइम्स एंड नाउ कीप योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर नोज. एट विच टाइम योर नोज इज वार्म एंड व्हेन इट कूल. आराम से बैठ के हाथ ऐसे नाक के पास पकड़ो, सांस की हवा का वो लेना है. फिर 10-12 बार जंपिंग करो, फिर देख लो तब गरम गरम हवा अपना नाक से निकलते हमको पता चलता है. हमारा बॉडी गरम हो गया इसलिए नाक से भी गरम हवा आ जाते है. अगर आराम से बैठेगा तो कूल हवा आएंगे. ब्लो एयर इन ग्लास पॉट और मिरर. सी व्हाट हैपन. एक मिरर शीशे में ऐसे करके देखो क्या दिखते हैं उसमें. ग्लास एंड मिरर बिकेम ट्रांसफ्लुएंट. छोटा छोटा पानी का बूंद उसमें चिपक जाते हमको देख सकते हैं. बिकॉज अवर ब्रीथ हाव मॉइस्चर. हमारा ब्रीथ में हम सांस अंदर लेते हैं फिर बाहर करते हैं, उसमें मॉइस्चर होता है. विच कवर द कोल्ड फेस. ये कोल्ड फेस में आते हैं. अवर ब्लो do our various work. अपना ब्लो अपना कई काम में आ जाता है. फ्लूट विच साउंड्स विथ ब्लो. फ्लूट में म्यूजिक बजाते हैं वो भी कैसे आते हैं, जब हम हवा लेते हैं निकालते हैं तब आ जाते हैं. कैन वी पुट आउट लिट फायर विथ ब्लो. जब हम बर्थडे में कैंडल जलाते हैं फिर वो बुझाने के लिए क्या करते हैं, ब्लो करते हैं हवा से, अपने मुँह से हवा निकालते तब ब्लो हो जाते हैं. कैन वी फायर विद ब्लो. ब्लो फायर जलाने के लिए, आग जलाने के लिए हम ऐसे फूंक मारते हैं तब आग जलते भी है. वो बुझाने के लिए भी जलाने के लिए भी ये काम आ जाते हैं. विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी ऑपरेट बाई फ्लो. ब्लो ब्लो करके क्या क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम करते हैं देख लो. टेक एन एम्प्टी रियल बेस, क्लोज इट वन एंड विद पेपर, मेक ए स्मॉल होल नियर द क्लोज्ड एंड, पुट ए सर्कंडस गोली ऑन दिस रोल एंड ब्लो एयर इन द ओपन्ड एंड, सी व्हाट हैपेंड. Sit calmly and take breath. Measure the number of breaths in 1 minute. एक मिनट में कितना ब्रीथिंग हम करते हैं ये भी देख लेना.
ये सारे करके देखने हैं. मेक 2-3 राउंड्स ऑफ रनिंग इन द स्कूल ग्राउंड. नाउ मेजर योर ब्रीथ इन 1 मिनट विद द हेल्प ऑफ वॉच. स्टॉप वॉच करके देखो, फिर 2 राउंड करके बाद 1 मिनट में अपना कितना ब्रीथिंग कितना बार सांस लेते हैं ये भी मेजर कर सकते हैं. ये सारे अपना घर पे करके देख लेना. स्पोर्ट्स मेक अस एक्सपर्ट्स इन एवरी फील्ड. स्पोर्ट्स से हम हर फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हैं. स्पोर्ट्स फिनिश द डिफरेंस ऑफ कलर एंड कास्ट. स्पोर्ट्स से दूसरा फायदा क्या है? डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कलर एंड कास्ट. इसमें कुछ भी अंदर नहीं है. कोई से भी कलर है, कोई से भी कास्ट है, कुछ भी है तो खेलो एक साथ. अपने अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए. ईमानदारी से हम खेलना है. इनके बीच में कुछ जाति धर्म कुछ नहीं आएगा. स्पोर्ट्स यूनाइट द एवरीवन विद लव. जो खेलने वाला सब बहुत प्यार में रहते हैं. प्राइम स्पोर्ट्स टैलेंट्स हु मेड अस प्राउड बाय देयर अचीवमेंट्स. अपना स्पोर्ट्स के वजह से अपना नाम पूरा दुनिया में बढ़ाया. ऐसा कुछ लोग है ऐसा भी अपना नाम दुनिया में आ जाता है. इन स्विमिंग में भक्ति शर्मा उसका नाम पूरा दुनिया जानता है. इन आर्चरी लिंबाराम और इन बॉक्सिंग मेरी कॉम. इन क्रिकेट सचिन तेंदुलकर. ऐसा कई स्पोर्ट्स में कई लोगों का नाम पूरा दुनिया जानते हैं. ये उनका स्पोर्ट्स के वजह से और कुछ नहीं. हाँ, अगर हम स्पोर्ट्स में और आगे बढ़ेगा तो अपना क्या क्या प्रॉफिट है. हेल्थ फिट हो जाएगा और हमारा माइंड एन्जॉयमेंट में हो जाएगा. खुशी में रहेगा हम और हमारे अंदर कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन सब बनेगा. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बनेगा. ऐसा और इसमें बहुत ऊंचे पद में जाने वालों का नाम पूरा दुनिया में पहुंच जाएगा. ऐसा कई फायदा है स्पोर्ट्स करने में. ये लेसन रीड 5 times एंड रीड केयरफुली एंड डू द लर्न द न्यू वर्ड्स इन दिस लेसन. देर आर नॉट मच न्यू वर्ड्स ओनली नेम्स ऑफ गेम्स देन यू नो दैट ऑलरेडी एंड देन एनीबडी कैन नॉट नो. यू हैव टू लर्न रीड द लेसन 5 more times एंड यू कैन कैच इट. सी द पिक्चर्स विद गेम्स एंड योगा. यू ऑल्सो ट्राई टू do exercise at home and play some games to fit your body and mind. Okay, thank you.